आटे में नमक बरोबर चलत है, ठीक है। अब तुमसे हमको जानो ही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों से पूरी थाली ही छीन ले। अंदर नगरी चौपट राजा चल रहा हूं। दुनिया के जिस जिस भी मुल्क दे विच लोकतंत्र चलता है उत्थे रिश्वतखोरी नू मनाही है, पर भारत के सियासतदान एक नवी विचारधारा मूहरे रख रहे हैं। इस विचारधारा के तहत रिश्वत लैण नू मनाही नहीं, बस रिश्वत लैण लग्या कुछ कु हदायतों की पालना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, यह कह रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश तो बसपा पार्टी की विधायक रामबाई सिंह। दरअसल उन्हों का कहना है कि आटे दे विच घुण दे बराबर रिश्वत लई जा सकती है, 1,000 रुपए तक रिश्वत लेना कोई गुनाह नहीं है, बस गरीब बंदे तो वधेरे रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। पूरा मसला तुहानू दसदे हां, पर पहला सुनो ये बोल। देखो आटे में नमक बरोबर चलत है, ठीक है। अब तुमसे जानो ही कह रहे, लेकिन ऐसो नहीं कि कोनो से पूरी थाली ही छीन ले। हम मना नहीं कर रहे, और हम भी जाना थे अंदर नगरी चौपट राजा चल रहा, लेकिन परिस्थिति देखना पड़ा। जोन आदमी मजूरी कर रहे, जोन आदमी मजूरी के लाने बाहर बास जा रहे, आज उनको सो देखा तुसी किस तरीके रामबाई सिंह बसपा पार्टी की विधायक रिश्वतखोरी की हिमायत कर रहे हैं। नाल दी नाल रिश्वत लैन वाले अधिकारियों नू ये भी दस रहे हैं भी किहड़े खानदान तो किहड़े परिवार तो अमीर गरीब तो किन्नी कु रिश्वत लैनी जायज़ है। सो मसला उदों सामने आया जदों एक पिंड दे लोक इस विधायक कोल अपनियां मुश्किलां लैके गए। उन्होंने दस्या कि एक योजना के तहत सारे अधिकारी सरकारी स्कीमां देण लग्गिया साढ़े कोलों रिश्वत मंग रहे हैं, तो उदों ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਬਾਈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਮਬਾਈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਾਮਬਾਈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਾਲ ਰੱਖੜੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।